Hello friends, this is Rahul. Welcome back to Cat Thrillers SolidWorks Tutorial Series. So friends, आज की इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉम्पोजिट कर्व. ठीक है, सो कॉम्पोजिट कर्व की हेल्प से हम ये एक ट्रैक्टर की सपोर्टिंग रॉड बनाएंगे. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये किस तरह की शेप है. ठीक है, सो आपको एक सिंगल स्केच में आप नहीं बना सकते इसको, सिंगल प्लेन पे आप नहीं बना सकते इसको. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आज इसको कॉम्पोजिट कर्व की हेल्प से डिजाइन करेंगे. ठीक है, सो ये देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है. तो यहाँ पे हम न्यू ड्राइंग ओपन करते हैं. ओके ओके, सो बेसिकली समझते हैं कि कॉम्पोजिट कर्व बेसिकली है क्या. ठीक है, सो कॉम्पोजिट कर्व का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे हमने जो स्केच बनाया उसको सिंगल स्केच बनाना. ठीक है, ज्वाइन करना. सो लाइक मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट प्लेन है ये, मैंने यहाँ पे स्प्लाइन क्रिएट कर दिया. सेकंड मेरे पास प्लेन आ रहा है, टॉप प्लेन आ रहा है. ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे जो स्केचेस बने हैं ना उनके जो पॉइंट्स है वो भी ज्वाइन होने चाहिए, तभी कॉम्पोजिट कर्व कंप्लीट हो पाएगा. ठीक है, सो मैं यहाँ पे टॉप प्लेन पे एक प्लेन और बना लेता हूँ. रेफरेंस मेरा ये पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पे एक प्लेन जनरेट हो गया मेरा, और इसी प्लेन पे मैं यहाँ पे एक और स्केच बना लूंगा. स्प्लाइन ही क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मेरे पास इस तरह से कर्व आ रहा है. सो आप देख सकते हो अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं तो ये मेरे पास दो कर्व्स हैं. ठीक है, तो अगर मैं इस तरह का कोई कर्व बनाना चाहता हूँ तो वो मेरा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और अगर मैं इनको ज्वाइन भी करना चाहूँ तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो ये दोनों स्केचेस जो अलग अलग आ रहे हैं, इन दोनों को एक स्केच बनाने के लिए, सिंगल स्केच बनाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, कॉम्पोजिट कर्व यूज करेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पूछ रहे हैं एंटिटीज टू ज्वाइन. सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा दोनों एंटिटीज को और ओके कर दूंगा. सो आप देख सकते हैं ये मेरा एक सिंगल स्केच जनरेट हो गया. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे स्वीप अप्लाई करना चाहूँ, सो सर्कुलर स्वीप अप्लाई करके देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास स्वीप ही अप्लाई हो रहा है. ओके करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू रहने दीजिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्वीप भी जनरेट कर सकता हूँ. सो यही मेरे पास एक टूल है जिसकी हेल्प से मैं एक ट्रैक्टर की सपोर्टिंग रॉड बनाऊंगा. सो मैं न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ और उसकी डायमेंशन चेक कर लेता हूँ एक बार. सो मेरे पास ये डायमेंशन आ रही हैं, जो मेरे पास फर्स्ट आर्म है उसकी डायमेंशन इस तरह से दे रखी है, 485 लेंथ है, 65 का रेडियस है, 102 यहाँ से इसकी लेंथ है. सो इस स्केच को सबसे पहले बना लेंगे. सो सबसे पहले मेरे पास ये लेंथ आ रही है और यहां से हम ये लेंथ भी क्रिएट कर लेंगे. टोटल जो मेरे पास यहाँ पे लेंथ है वो कितनी है, 485 प्लस 65 में क्यों ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज रेडियस भी है. ओके, सो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी और ये कितनी है टोटल, मेरे पास टोटल दे रखी है 102. सो ये लेंथ आ जाएगी मेरे पास 102 एंड यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर देंगे. सो फिलेट कितनी है मेरे पास, 65 mm की. सो इस तरह से आपके पास ये कर्व जनरेट हो जाएगा. ओके, सो एग्जिट कर लेते हैं इसे. सो सेकंड पार्ट मेरे पास ये है. ठीक है, ये भी एक फिलेट ही दे रखी है. सो ये कहां से दे रखी है, इस साइड से दे रखी है. सो ये है मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखिए ये कर्व मैंने जनरेट कर ली, अभी मेरे पास ये रेडियस आएगा. सो इसके ये वाले प्लेन से मुझे ये वाली रेडियस लगानी है. ओके, सो यहाँ से मेरे पास ये टॉप प्लेन आएगा. तो टॉप प्लेन देखते हैं कहाँ पे आ रहा है मेरे पास. तो आप देख सकते हैं टॉप प्लेन मेरा यहीं पे आ रहा है. सो नॉर्मल करेंगे और यहां से मैं क्या करूंगा, अभी स्केच जनरेट कर लूंगा. ठीक है, सो 65 और 65 की दो लाइन आएंगी मेरे पास और उन दोनों की हेल्प से मैं यहाँ पे आर्क लगा लूंगा. डायमेंशन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, 65 आ रही है और इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है, सेम 65. ओके, और आर्क लगा लेंगे यहाँ पे हम. सो आर्क का जो रेडियस है वो कितना आएगा, यहाँ पे 65 आएगा. सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे मैच हो गया. सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्केचेस है उनको रिमूव कर लेंगे. ओके, एग्जिट.
सो हमारे पास ये दो स्केचेस कंप्लीट हो चुकी हैं इस तरह से. देन इसके बाद कौन सा स्केच बनाना है. सो अब आपके पास ये वाला पार्ट है. सो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि आपको ये पार्ट कहाँ पे बनाना है. सो आप देख सकते हैं जैसे हमने ये वाला कर्व भी बना लिया, ये वाला कर्व भी बना लिया. अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला कर्व चाहिए. ठीक है. सो ये वाले कर्व के लिए मुझे प्लेन यहाँ पे चाहिए. ओके. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लेन जनरेट कर लेंगे. देखते हैं राइट प्लेन मेरा कहाँ पे आ रहा है. राइट प्लेन मेरा यहाँ पे आ रहा है बट मुझे प्लेन चाहिए यहाँ पे. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू प्लेन जनरेट कर लेंगे. रेफरेंस पॉइंट ये रहेगा मेरा. ओके करेंगे. सो मेरे पास एक न्यू प्लेन आ जाएगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केच जनरेट करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केच जनरेट कर लेंगे. सो 65 की लेंथ आ रही है मेरे पास और यहाँ पे भी 65 की लेंथ आ रही है. सो यहाँ पे हम एक 65 की लेंथ ले लेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों सेपरेट हो गए हैं. सो मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोइंसिडेंट कर दूंगा और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चाहे तो इनको पर्स कर दीजिए. सो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन होना चाहिए. सो कोइंसिडेंट से होता है कोइंसिडेंट से कर दीजिए, पर्स से होता है तो पर्स से कर दीजिए. और यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ रही है, ये भी सेम आ रही है 65. यहाँ पे हम आर्क लगा देंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. ठीक है. आर्क का रेडियस कितना है, सेम 65. और इन एक्स्ट्रा स्केचेस को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और यहां से एक और लेंथ ले लेंगे 109 mm की. सो 109 mm की यहाँ पे लेंथ आ जाएगी आपके पास. ओके कर देंगे. सो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास ये स्केच यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. ठीक है. और अगर इस प्लेन को हाइड करना चाहते हैं, हाइड भी कर सकते हैं. सो इसके बाद मेरे पास एक और स्केच आएगा यहाँ पे. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जो फोर्थ स्केच आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है. ठीक है. ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेक करते हैं, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्केच जनरेट हो गया. अब ये वाला जो स्केच है आपके पास, ये आपको यहाँ पे बनाना है. सो प्लेन आपको कौन सा चाहिए, इसके पैरेलल चाहिए इस रेफरेंस पॉइंट पे. ठीक है. सो प्लेन अभी मुझे कौन सा चाहिए, टॉप प्लेन हमारे पास ये आ रहा है, फ्रंट प्लेन हमारे पास ये आ रहा है. फ्रंट प्लेन के रेफरेंस पे ही मुझे एक और प्लेन चाहिए इस पॉइंट के रेफरेंस से. सो यहाँ पे इस प्लेन पे हम स्केच बना लेंगे. सो आप देख सकते हैं रेडियस मेरे पास कितना आ रहा है, 65 आ रहा है और इसकी टोटल लेंथ जो आ रही है 82 आ रही है. सो अगेन मैं यहाँ पे सेम वही स्केच बना लूंगा 65 का. और यहां से आप 65 इसकी लेंथ रख सकते हैं, 65 इसकी लेंथ रख सकते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो पेयर्स कर दीजिए. ओके. सो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा. देन यहां से लेकर यहां तक आर्क आएगा आपके पास और रेडियस ले लीजिए इसका अगेन 65. और यहां से आप एक लेंथ और ले लीजिए जिसकी डायमेंशंस यहां से लेकर यहां तक कितनी आ रही है. और अगर मैं इसको यहां से डिलीट कर दूं तो यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन कितनी आ रही है मेरे पास, 82 आ रही है. ठीक है. और एक्स्ट्रा जो पार्ट्स आ रहे हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं. ओके. सो आप देख सकते हैं आपके पास नंबर ऑफ स्केचेस आ गए हैं और सारे के सारे अलग हैं. ठीक है. सो अगर आप इन पे स्वीप अप्लाई करना चाहें, सो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट पे ही स्वीप अप्लाई होगा. मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिट कर्व यहाँ पे बनाना पड़ेगा. इट मीन्स सभी को ज्वाइन कर दूंगा मैं यहाँ पे और ओके कर दूंगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो स्केचेज हैं सारे ज्वाइन हो गए और कॉम्पोजिट कर्व में कन्वर्ट हो गए. सो यहाँ पे अभी हम स्वीप अप्लाई करेंगे और सर्कुलर ही प्रोफाइल यहाँ पे बनाएंगे बिकॉज मेरे पास सर्कुलर ही प्रोफाइल आ रही है. सो सर्कुलर प्रोफाइल जो आ रही है उसका डाया मेरे पास 25 रहेगा. पाथ पूछ रहे हैं, पाथ हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे. ओके कर देंगे. तो इस तरह से आपके पास ये रॉड बन जाएगी. ठीक है. सो इसकी अगर
कॉम्पोजिट कर्व को आप हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, और यहाँ से अगर इसकी एजेस को नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको हाइड कर सकते हैं। सो इसके बाद अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे सेम ये वाला जो प्लेन आ रहा था यहीं पे मुझे एक चीज और बनानी है। तो इसके डायमेंशन इस तरह से दे रखी हैं, मेरे पास इनर जो रेडियस आ रहा है वो 367.55, हाइट उसकी इतनी आ रही है, और 1.20 इसको दोनों तरफ ऑफसेट कर देंगे सेंटर लाइन से। ओके सो प्लेन मेरे पास कौन सा आ रहा है, यही वाला प्लेन आ रहा है, इसको स्केच करेंगे, ओके करेंगे, नॉर्मल कर देंगे, और यहां से हम एक आर्क जनरेट कर लेते हैं। सो मेरे पास एक सेंटर लाइन आ रही है सबसे पहले, तो इस सेंटर लाइन को मैं इसके साथ कोलिनियर कर देता हूं। सो यहां पे इसकी हाइट रख लेते हैं हम 69.59, इसकी हाइट आ रही है। ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसको सिमेट्रिक कर देंगे सेंटर लाइन से। सो ये मेरे पास मिड पॉइंट आ रहा है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सिमेट्रिक कर देंगे इसे, इन दोनों एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सिमेट्रिक के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके देन यहाँ पे आर्क लगाएंगे अभी हम, इन दोनों पॉइंट्स पे एक आर्क आएगी मेरे पास जिसका रेडियस 367.55 दे रखा है। सो रेडियस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 367.55 इस तरह से, और यहाँ पे हम इसे ऑफसेट कर देंगे बोथ द साइड बाई डायरेक्शनल से ऑन कर लेंगे। और इसके बाद बेस ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को अगर बेस बनाना चाहते हैं बेस भी बना सकते हैं, और 1.2 mm इसके हम ऑफसेट कर देंगे, और इसकी कैप हम एंड कर देंगे लाइंस के साथ। ठीक है ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, और इसे हम अभी एक्सट्रूड कर देंगे 40 mm। सो मिड प्लेन से हम इसे 40 mm एक्सट्रूड कर देंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे जो इसकी एजेस आ रही है उस पर फिलेट अप्लाई कर देंगे 3 mm की। तो इसके सभी कॉर्नर्स में मुझे फिलेट चाहिए। ओके सो यहाँ पे अभी हमें स्लॉट्स भी बनाने हैं। सो एक प्लेन लेंगे एज की रेफरेंस से, ओके कर देंगे। सो यहाँ पे एक प्लेन आ रहा है मेरे पास, इसी प्लेन पे हमें स्केच जनरेट करना है, यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम दो स्लॉट्स बनाएंगे जहां पे हमारी बोल्ट क्लैंप होंगे, और यहां से इसे हम मिरर कर लेंगे सेंटर लाइन से। तो इस तरह से आपके पास ये दो स्केचेस आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि ये जो स्केचेस हैं ये इसको भी काट रहे हैं। सो स्केचेस की हाइट जो है वो यहाँ पे कम रखिए, मैं हाफ रख लेता हूँ इसकी वैल्यू। ओके सो इन दोनों स्केचेस को आप कट कर दीजिए। सो इनको आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, ऑफसेट दे दीजिए। ऑफसेट इसलिए क्योंकि आपके पास जो प्रोफाइल है जो आप कट जिसपे आप कटिंग करना चाह रहे हैं वो प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास मटेरियल रह जाएगा। सो इसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे ऑफसेट लेके चल रहे हैं ताकि ये कट जो है वो प्रॉपर हो जाए। सो आप देख सकते हैं स्लॉट आपके पास प्रॉपर कट हो चुके हैं। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इस फेस पे हमें स्केच बनाने हैं और उनके डायमेंशंस चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या स्केचेस आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डायमेंशंस आ रही हैं, एक 39 का बाहर का सर्कल आ रहा है और एक 13.75 का इनर सर्कल आ रहा है। सो ये दो सर्कल है हमारे पास। सो इस तरह से इनके डायमेंशंस ले लेंगे हम, जो इनर सर्कल आ रहा है वो आ रहा है 13.75 और आउटर सर्कल आ रहा है हमारे पास 39 mm का। ओके सो इस तरह से आप ये दोनों सर्कल को बना लेंगे और एग्जिट करने के बाद वन बाय वन इन्हें एक्सट्रूड कर दीजिए। सो यहां से हम कंट्यूर सिलेक्ट करेंगे, मेरे पास पहला ये स्केच एक्सट्रूड होगा, कितना में एक्सट्रूड होगा
2mm एक्सट्रूड होगा, सिर्फ ये प्लेट ही आएगी हमारे पास, और देन उसके बाद हमारे पास अगेन ये स्केच एक्सट्रूड होगा, कंट्यूर सिलेक्ट करेंगे और स्केच कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। सो इसकी हाइट यहाँ पे कितनी रखेंगे हम, 39mm, ओके कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास चैम्फर भी दे रखी है, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास चैम्फर कितनी आ रही है, 1mm की चैम्फर आ रही है। सो चैम्फर अप्लाई कर दीजिए, सो 1mm की चैम्फर आ रही है आपके पास और 45 डिग्री एंगल आ रहा है, ओके कर दीजिए। और इसके बाद अभी हमें थ्रेड सप्लाई करने हैं। सो गो टू द होल विजार्ड, गो टू देन यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है। सो लोकेशन मेरे पास कौन सी है, ये वाली लोकेशन है। और यहाँ पे अप टू द सिलेक्शन पूछ रहा है, सिलेक्शन कहाँ तक आपको चाहिए थ्रेड्स। सो सिलेक्शन मेरे पास ये आ रही है, ये देखिए आपके पास हेलिक्स बन के आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास साइज कौन सा चाहिए, ठीक है। अभी मेरे पास जो डाया है वो कितना है, 13.75। सो यहाँ पे 13.75 के नियर अबाउट जो आपके पास साइज आएगा आपको वो थ्रेड का साइज लेके चलना है। तो 14 और पिच में लेके चल रहा हूँ, 1.5mm की पिच लेके चल रहा हूँ। और आपको थ्रेड जो है वो कट करने हैं यहाँ पे, सो मेट्रिक डाई आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इसे ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास थ्रेड तो अप्लाई हो चुके हैं, बट यहाँ पे मेरे पास जो प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि यहाँ तक मेरे पास जो थ्रेड्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं। सो मुझे कंप्लीट थ्रेड बनाने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे एडिट कर लूंगा इसे और यहां से मैं ऑफसेट जनरेट कर दूंगा, ठीक है। सो ऑफसेट के लिए अगर मैं वैल्यू डिफॉल्ट 5 ही रखूं, सो इसकी डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं तो यहां से मेरा थ्रेड बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको बाहर से बनाऊंगा तो मेरे जो थ्रेड्स हैं वो एग्जैक्ट बनेंगे। सो इसे मैं अगर ओके कर दूं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास थ्रेड्स हैं वो यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। सो इस तरह से आप इन थ्रेड्स को बना सकते हैं। सो कॉम्पोजिट कर्व को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप किस तरह से इस तरह की प्रोफाइल को जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस कमांड की प्रैक्टिस कीजिए, काफी अच्छी कमांड है और काफी प्रोजेक्ट्स में ये यूज होती है। इस तरह की आपके पास अगर कोई प्रोफाइल आ रही है तो वहां पे आप कॉम्पोजिट कर्व को यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।